सो इस प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग मैचिंग की। सो सबसे पहला जो हमारा मेथड है स्ट्रिंग मैचिंग में जो आता है वो आता है नेव स्ट्रिंग मैचर, जिसको हम ब्रूट फोर्स मेथड भी बोलते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड भी बोलते हैं, क्या बोल लेते हैं? ब्रूट फोर्स मेथड। तुम बेसिकली यही याद रखो, ब्रूट फोर्स मेथड या ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोल लेते हैं। ओके, बेसिकली नेटिव स्ट्रिंग मैचर ही याद रखो। ओके, काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें एक हमारी स्ट्रिंग गिवन होती है, एक हमारा टेक्स्ट गिवन होता है दैट इज टी, एंड हमें एक पैटर्न गिवन होता है ए बी सी, एंड इसको फाइंड करना हमारे गिवन टेक्स्ट में। ठीक है, काम कैसे करता है? लेंथ ऑफ टी को मैं एन में स्टोर करा रहा हूँ, लेंथ ऑफ एम को पी में, पी को एम में स्टोर करा रहा हूँ। ओके, दोनों की लेंथ स्टोर होगी। सबसे पहले पी का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से टैक होगा, कंपेयर हो गया तो सबसे पहले जब एस इक्वल टू जीरो है, ठीक है, देन बी चेक किया, बी कंपेयर नहीं हुआ तो क्या होगा? एस खत्म हो गया। डू इफ पी वन इक्व टू टी एन देन, लेकिन सारे चेक कर रहे हैं वन से लेके एम तक, इक्व टू टी वन से लेके एम तक, पी वन से लेके एम तक, टी ये एन कर लो इसको, पी वन से लेके एम तक, टी वन से लेके एन तक इक्वल है। पहले ए चेक किया ठीक है, लेकिन बी भी नहीं हुआ तो मतलब वापस एस की वैल्यू बढ़ जाएगी एक। अब एस इक्वल्स टू क्या हो गया? वन, एंड शिफ्ट किससे हो गया? पैटर्न एक शिफ्ट आगे हो गया, ए बी सी चेक किया नहीं है तो एस इक्वल्स टू टू, एक शिफ्ट अगेन आगे चेक किया कंपेयर है, चेक किया बी कंपेयर नहीं हुआ, एक और शिफ्ट आगे एस इक्वल्स टू थ्री, ए बी सी चेक किया कंपेयर है, चेक किया कंपेयर है, चेक किया कंपेयर है, तो एस जब शिफ्ट थ्री था तो हमारा ए बी सी मिल गया। ठीक है, तो एस इसलिए हमने ऐड किया कि एस से हमें वैल्यू पता चली। ओके, तो प्रिंट अकर्स विद शिफ्ट एस, एस क्या हमारा कि थ्री शिफ्ट में प्रिंट हमारा अकर, पैटर्न जो है अकर हो गया, पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट एस, शिफ्ट थ्री, थ्री शिफ्ट में पैटर्न हमारा अकर हो गया। ये तो थी नेटिव नेव स्ट्रिंग मैचर। ठीक है, ये हमारा मेथड था नेव स्ट्रिंग मेथड का। ओके, इसके अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट्स ऑफ रैबिन कार्प, उसमें क्या होता है चलो इसी में बता देते, रैबिन कार्प इसी में बता देते। रैबिन कार्प बेसिकली हैश वैल्यू से काम करता है। वो हैश वैल्यू क्या होती है उसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम चीज को पहले लिख लेते हैं। ओके, तो रैबिन कार्प की सबसे पहले एल्गो आनी चाहिए। रैबिन कार्प में एक टेक्स्ट होगा, एक पैटर्न होगा, अगेन एन में हम टी डॉट लेंथ डाल लेंगे, एंड एम में हम पी डॉट लेंथ डाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम हैश वैल्यू चेक करते हैं। हैश होता क्या है इसकी मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में। हैश ऑफ टी, हैश वैल्यू पी की निकाली, हैश वैल्यू टी की निकाली, ऑब्वियसली बात है टी एंड पी की जिसकी भी हैश वैल्यू निकालोगे वन से लेके एम तक एंड वन से लेके एन तक निकालोगे। ओके, ये ऑब्वियस है। फॉर एस इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस एम हम हैश वैल्यू ऑफ पी चेक करेंगे हैश वैल्यू ऑफ टी के इक्वल है, इफ इक्वल होगी तो हम चलेंगे इसके अगले स्टेप में एंड हमारी स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे, एंड हमारी स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे पी जीरो से लेके एम माइनस वन क्या इक्वल है टी जीरो से लेके एन माइनस वन तक, ये हम चेक करेंगे। अगर है तो प्रिंट कह देंगे फाउंड, अदरवाइज प्रिंट नॉट फाउंड। अब मैं बताता हूं क्या क्या है। हम इसमें क्या करते हैं, एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, एक हैश वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल है 314159926। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट एंड पैटर्न है मेरा 26। तो मैं क्या करूँगा, एक हैश वैल्यू हमेशा क्या होती है एक प्राइम नंबर से ली जाती है। मैं कोई भी एक प्राइम नंबर अपने पास लेता हूँ, लाइक 11 लेता हूँ, 11
ले लेते हैं हम प्राइम नंबर, तो इसका हम मॉड 11 कर देंगे, ठीक है, हैश वैल्यू का ये मतलब था कि उसका मॉड करना, 26 का मॉड 11 करेंगे तो आंसर है हमारा 4, ठीक है। अब हम दो दो का सेट लेंगे टेक्स्ट में से, इस दो का सेट लिया एंड इसका मॉड 11 किया, क्या वो 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर ऐसे इसका सेट लिया, 4 आ रहा है, इसका सेट आ रहा है, मान लो इसका सेट हमारा 4 आ गया, ठीक है, 15 का 11 से किया तो हमारा आया 4, मॉड 4 आ गया 15 का जब किया, तो जब 4 आया मैं देन एच पी इक्वल टू एच टी तो आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे, तो हमने कंपेयर किया 15 एंड 11, 26 सेम है? नहीं है। फिर हम वापस आ गए, क्या ये मॉड इसका भी 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसका मॉड 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसका मॉड 4 आ रहा है? आ रहा है भाई, 4 तो आ रहा है। तो अब आगे ये चलना शुरू होगा, आगे गया तो किधर पहुंचा? कंपेयर करने के लिए। अब कंपेयर किया तो कंपेयर हो गया, प्रिंट फाउंड। तो इस वे में हमारी चलती है रैबिन कार, एक मॉड वैल्यू से ये चेक करता है कि जिसकी मॉड वैल्यू 4 आएगी उसी को कंपेयर करेगा, हर बंदे को कंपेयर नहीं करेगा, सिर्फ जिसकी मॉड वैल्यू 4 आएगी उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं आप मॉड 11 लो, मॉड 13 ले लो, मॉड 7 ले लो, सिर्फ प्राइम नंबर के मॉड लेना क्योंकि उसके फैक्टर्स कम आएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।